सोमनाथ ट्रस्ट ना बरद हस्ते विधिवत बस सेवा नो उद्घाटन द्वारकाधीश हवेली ना ट्रस्टी नी उपस्थिति में प्रारंभ। गुजरात राज्य मार्ग वाहन व्यवहार निगम जूनागढ़ विभाग ना विभागीय नियामक श्री जीओ शाह अने परिवहन अधिकारी पिलवायरकर साहेब तेमज डेपो मैनेजर बीडी रबारी साहेब हेड मिकेनिकल उमेश भाई परमार ना सहकार थी वेरावल द्वारकाधीश हवेली सोमनाथ ट्रस्ट अने मुंबई वसई ना गुजराती अभिनेत्री राजश्री मीना पंजाबी मीनाबहन ने स्वर्गवासी सोनी हीराबहन प्रभुदास सती कुंवर सेना समिति ना माध्यम थी नाथ द्वारा नी एसटी बस सेवा उपलब्ध करावामां आवे तेवी मांग करी हती, जेमा एसटी बस तंत्र द्वारा आ बाबते योग्य करी विभागीय नियामक श्री जीओ शाह अने परिवहन अधिकारी श्री पिलवायकर साहेब द्वारा समर्थन आपी सोमनाथ नाथ द्वारा रूटनी एसटी बस सेवा उपलब्ध करावामां आवी छे, जे सवारे 10:55 सोमनाथ थी उपड़शे अने वहेली सवारे मंगला आरती ना समये पहोंचशे। त्यारे सोमनाथ थी आजे सोमनाथ ट्रस्ट ना जनरल मैनेजर विजयसिंह चावड़ा ना अध्यक्ष स्थाने पुजारी श्री ना मंत्रोच्चार साथे विधिवत प्रस्थान करेल, जेमां एस्टेट ऑफिसर सुरेंद्रसिंह जाडेजा सहित वेरावल द्वारकाथी हवेली हवे थी ट्रस्टी ना लोक जागृतिना मंच पर दीपक भाई तिलावंत अनीश राज स्वर्गवासी सोनी हीराबहन प्रभुदास सती कुंवर सेवा समिति ना सोनी योगेश भाई पी सती कुंवर वेरावल एसटी ना हेड मिकेनिक उमेश भाई परमार बस ना ड्राइवर राजेश निमावत अने पी आर डाकी तेमज कंडक्टर प्रवीण वाड़ा नी उपस्थिति में प्रारंभ कर्यो हतो। जूनागढ़ विभाग द्वारा सोमनाथ खाते थी नाथ द्वारा परिवहन सुविधा माटे यात्राळुओ माटे नवीन एक्सप्रेस रूट संचालित करवा निर्णय लीधेल छे, जे अन्वय सदर रूट सोमनाथ खाते 10:55 संचालित थशे, तेमज नाथ द्वारा खाते 15:45 सोमनाथ आवा माटे नवी एक्सप्रेस बस सुविधा संचालित करवामां आवे छे। यात्राळुओने आ सुविधानो महत्तम रीते उपयोग ले ए बाबते अनुरोध करवामां आवे छे। द्वारकाधीश हवेली ट्रस्ट संचालित गोधननाथी हवेलीना मैनेजिंग ट्रस्टी तरीके हूँ अमृतलाल नानदर सेवा आपूँ छूँ। अमारी विनंती ने ध्यान राखी एसी निगमे अमने तारीख आज थी एटले 4 तारीख थी सोमनाथ थी नाथद्वारा बसों की सर्विस सुविधा पूरी पाड़ेली है। आ बस सवारे 11:15 अँ थी उपड़ी वेरावड़ी ने नाथद्वारा सवारे 5 वगे पहुँचे, तेज दिवसे सांजे पाछी 4:45 उपड़ी ने सवारे 9 वगे वेरावल पहुंचे। नाथ द्वारा थी सोमनाथ बपोरे 4:45 ત્યાંથી ઉપડી અને સોમનાથ 9 વાગે અહીંયા પહોંચશે, એટલે બંને તરફ બંને યાત્રાધામના જે દર્શનાર્થીઓ કે શ્રદ્ધાળુઓ છે એના આ બસનો ખૂબ લાભ મળશે અને બંને યાત્રાધામો આ રીતના જોડાશે અને હરિહર તીર્થધામના જે શ્રદ્ધાળુઓ છે એ બંને તીર્થધામના દર્શનનો લાભ મેળવશે। BS9 TV ન્યૂઝ સાથે ઉષા મેરવાડા, ગીર સોમનાથ।